धर्मादेश ये है कि सरकार संविधान में संशोधन करे, अनुच्छेद 133 और 136 में प्रावधान किया जाए, राम मंदिर मामले को लोकहित का मामला बनाए, केंद्र सरकार मंदिर को राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल करे और राष्ट्रीय महत्व की अधिसूचना जारी की जाए, इस बात का धर्मादेश आया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में त्वरित सुनवाई होगी। कोर्ट को 4 हफ्ते में फैसला दे सकता है कोर्ट, ऐसा कहा गया है धर्मादेश में। और ये एक बड़ी खबर है, अनुच्छेद 133 136 में संशोधन करें, लोकहित का मामला बनाए ताकि सुप्रीम कोर्ट में त्वरित सुनवाई हो, और ये धर्मादेश जारी किया गया है। हम आपको बताते हैं कि जनता की जो स्थिति है वो दिनों दिन खराब होती जा रही है और सरकार डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। जनता की प्रतिनिधि सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरी करेगी। आदेश मंदिर का निर्माण रामालय ट्रस्ट करेगा और उसके लिए जो अवरोधक हैं उनको दूर कराने के लिए हम लोग संपूर्ण प्रयास जो कि बड़ी दृष्टि से होते हैं वो करेंगे। हम आपको बताते हैं, कोर्ट से हम जीत चुके हैं। हाई कोर्ट ने ये मान लिया है कि जहाँ रामलीला विराजमान है, रामलीला विराजमान है, वो राम जन्मभूमि है। केवल कोर्ट ने सुन्नी सेंटर बोर्ड और निर्मोही अखाड़े की अर्जी खर्च करा करके भी ये कह दिया कि कुछ भूमि उनको भी दे दी जाए, तो उसका अवरोध मिटना चाहिए जिससे कि विशाल मंदिर उस स्थान पर बनाया जा सके। परम आराध्य परमा धर्मादेश जी का इस परम धर्मादेश के माध्यम से यह अभिमत है कि राम मंदिर का निर्माण चारों शंकराचार्यों, रामानंदाचार्यों, रामानुजाचार्यों, मध्वाचार्यों, निर्मार्काचार्यों, 13 अखाड़ों के प्रमुखों और इसी तरह के मूर्धन्य धर्माचार्यों के पर्यवेक्षण में कराया जाना चाहिए, न कि किसी सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक संस्था के द्वारा। धर्म राजसत्ता के लोग हैं, वो धर्म को भी अपने ऊपर ही ले लेना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हम ही धार्मिक हैं और हम ही राजा हैं, इसलिए धर्म सत्ता को दरकिनार करके वो स्वयं ही अपने आप को धर्माचार्य के रूप में निरूपित कर रहे हैं। वही धर्म के बारे में निर्णय लेते हैं, वही धर्म के बारे में आयोजन करते हैं और धर्म से संबंधित लोगों को अपने समान आसन पर बैठा करके वो ये निरूपित करते हैं कि तुम हमारे ही हो, तुम हमसे अलग नहीं हो। तो राम जन्मभूमि को लेकर धर्मादेश जारी हुआ है कि सरकार लोकहित का, लोक महत्व का विषय घोषित करे, अनुच्छेद 133 से 136 में प्रावधान करे। तो राम मंदिर मामले को लोकहित का मामला बताया जाए। मतीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग। मतीन जी, आज जो धर्म संसद हुई है वहाँ एक धर्मादेश जारी हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 133 से 136 में प्रावधान करें और राम मंदिर मामले को लोकहित का मामला बनाए ताकि एक फास्ट सुनवाई हो, त्वरित सुनवाई हो। इस बात से ये साफ है कि ये जो आज धर्म संसद हुई है उसमें भी कोर्ट के ही थ्रू सोल्यूशन निकालने की बात कही गई है, लेकिन इसमें बस एक चीज़ ऐड की गई है कि लोकहित का अगर मामला सरकार बना दे तो इसकी त्वरित सुनवाई हो सकती है और जल्दी सुनवाई हो सकती है। आपका विचार जानना चाहेंगे। असल मामला यह है कि सरकार ही इसमें लंगर पेट सजाए हुए है जी, सरकार ही तो सबसे बड़ा लंगर लगाए हुए है। बुनियादी की जब ये मामला आस्था से रिलेटेड है तो क्यों नहीं अटॉर्नी जनरल जो है को जो है सरकार भेजती है। सरकार ने तो आज तक एफिडेविट भी नहीं दिया कि हम साहब ये कर देंगे या हम उसका कोई मुस्तारा करेंगे। तो बुनियाद मामला यह है कि लोगों को गुमराह हो रहे हैं, लोग सभी साधु संतों को ठगने का काम हो रहा है, सभी लोगों को भीड़ जुटाने का काम कर रहे हैं। चलिए मतीन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा जी मतीन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हरिशंकर जैन, हिंदू पक्षकार,
वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो धर्मादेश जारी हुआ है बनारस से, इसमें दो चीज़ें कही गई हैं, एक अनुच्छेद 133 से 136 में प्रावधान करें और राम मंदिर मामले को लोकहित का मामला बनाए ताकि सुप्रीम कोर्ट त्वरित सुनवाई करे। तो आप इसका क्या आशय निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं? नहीं, राम मंदिर मामले में त्वरित सुनवाई होनी चाहिए और त्वरित सुनवाई अगर न हो पा रहे तो सरकार को अध्यादेश लाकर तुरंत मंदिर निर्माण करवा दीजिए। पर जहां तक 133 और 136 में संशोधन की बात है जी, तो बहुत लंबा प्रोसेस है और उसमें सालों लग जाएंगे। अच्छा हरिशंकर जी, अभी मतीन खान हमारे साथ लाइन पर हैं। उनका ये कहना है कि सरकार ने ही मामले को उलझा रखा है। नहीं, सरकार ने कोई नहीं उलझाया है, न उसमें सरकार पक्षकार है और न सरकार से कोई मतलब है। जो असल में मुस्लिम पक्ष की आदत यह है कि बेबुनियाद बातें करते हैं और उनको किसी ने मंदिर का विरोध करना है। जब कोई मामला रहता है इनके वकील कहते हैं की जाए मुसलमान। चलिए, हरिशंकर जैन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मतीन खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरिशंकर जैन, इन दोनों को अभी जोड़ने की कोशिश करते हैं फिर से। राम जन्मभूमि को लेकर धर्मादेश जारी हुआ है और उस धर्मादेश में ये कहा गया है कि सरकार लोकहित का विषय बनाकर इसको लोक महत्व का घोषित करे ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामले की त्वरित सुनवाई हो। अनुच्छेद 133 से 136 में प्रावधान करे। अभी कुछ देर पहले मतीन खान का ये कहना था कि सरकार मामले को उलझा रही है, लेकिन सरकार न तो पक्षकार है इसमें और न सरकार का कोई रोल है। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर की गई थी इसके त्वरित सुनवाई के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इसकी कोई ज़रूरत सुप्रीम कोर्ट समझता नहीं है, जनवरी में शेड्यूल्ड है सुनवाई, ये जनवरी में ही होगा। इसी बीच में अयोध्या में धर्म संसद हुई, अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने कार्यक्रम का आयोजन किया, अयोध्या में ही एक सभा बुलाई गई, एक सम्मान सभा बुलाई गई, आशीर्वाद सभा बुलाई गई उद्धव ठाकरे द्वारा, जिसमें संतों के साथ विचार विमर्श किया गया। तो कुल मिला जुला के एक तरह से प्रेशर बिल्डअप करने की कवायद शुरू हो चुकी है राम मंदिर मसले को लेकर। और अब बनारस में धर्मादेश जारी हुआ है, उस धर्मादेश में यह कहा गया है कि सरकार संविधान में संशोधन करे और इस विषय को लोक महत्व का घोषित करे ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द से जल्द सुनवाई कर सके। रंजना अग्निहोत्री जी जुड़ चुकी है हमारे साथ, जो कि वकील हैं मंदिर पक्ष की। रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। रंजना जी, एक आज धर्मादेश जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 133 136 में सरकार प्रावधान करे और राम मंदिर मसले को लोकहित का मामला बनाए ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पर त्वरित सुनवाई कर सके। तो इस धर्मादेश का क्या अर्थ निकालती हैं आप? धर्म संसद में महाराष्ट्र के द्वारा जो आयोजित धर्म संसद 3 दिन चली है उसमें धर्मादेश आज जारी हुआ। उस धर्म संसद की पूरी कार्यवाही में मैं वहाँ थी जी। इसमें जो है आर्टिकल 226 के क्लॉज 3 में जैसे कहा गया है कि अगर दोनों पार्टीज में डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो गए हों और अननेसेसरी डिले हो रही हो, पार्टीज को नोटिस जा चुका हो, अगर ऐसी स्थिति में कोई स्टे होता है या कोई स्टेटस को ऑर्डर होता है, सुनवाई नहीं हो पाती है, तो उसको स्वयं निरस्त माना जाए। तो इस धर्मादेश के जरिए हम लोगों ने ये निर्देश दिया है जी। कि हमारी अपील चल रही 133-136 के अंतर्गत अपील चल रही है, पार्लियामेंट को हमने लेटर लिखा है और पार्लियामेंट इसमें कानून बनाए कि संविधान में संशोधन किया जाए, जिस प्रकार 226 क्लॉज 3 में है उसी प्रकार इसमें हो अमेंडमेंट हो, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये मैटर पेंडिंग है 9-8 साल से जी, इसमें 4 हफ्ते के अंदर सुनवाई होकर के डिस्पोजल हो इसका, नहीं तो
इसको जो स्टेटस को ऑर्डर है उसको निरस्त माना जाए, उसके बाद मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त हो सके। रंजना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यू